नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिसकी आलती ऐसी थी जो उसके लाइफ को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था, जैसे उसका बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, हर छोटी बात को ऐसा सोचना कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो, या ऐसा सोचना कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हो जाता तो अच्छा हो जाता, और उसे एक आदत के लोगों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, मतलब कि उनसे जो उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। होता है ना कि लोग हमसे सिर्फ नॉर्मल बातें करते हैं और हम उनसे इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि फिर उनसे फ्यूचर सोचने लगते हैं। तो इसका हिसाब बिल्कुल भी ऐसा ही था। अब सीन यह था कि लाइफ दिन ब दिन बहुत ज्यादा परेशानी से घिरती जाती। इसी से लगता है कि दुनिया की सारी दिक्कत परेशानी इसी की जिंदगी में है। सिर्फ इसके साथ ही ऐसा होता है, जिससे ज्यादा अटैच हो जाए तो इसे छोड़कर चला जाता है, या कभी इसके साथ लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करती। फिर एक दिन ये किसी दोस्त के साथ उसके नानी के घर गया था और वहाँ काफी ज्यादा ठंड थी। जब वो वापस आने लगा तो पीछे से उसके दोस्त को उसके नाना जी ने आवाज दी, मतलब कि ऐसा ही कुछ कहने के लिए। तो उसका दोस्त बोला कि यार तो यही रुक, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अब इस बंदे को तो काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, तो पास में कुछ बूढ़े लोग आग जलाकर बैठे थे, ये भी उन्हीं के पास बैठकर हाथ सेकने लगा। अभी जब बैठा तो एक बूढ़ा आदमी अपने लाइफ के कुछ किस्से शेयर कर रहा था। उसने बताया कि उसे पहले सिर्फ अपनी तरफ से दुनिया को देखने का शौक था, मतलब कि उसके साथ जो अच्छा होता तो वह खुश रहता, और उसके साथ कुछ बुरा होता तो वह ऐसे लगता कि सिर्फ उसी के साथ ये सब हो रहा है, जबकि असल में उसके बाकी दोस्तों की जिंदगी में काफी उथल पुथल थी। और फिर उसने बताया कि लोगों को इतना ज्यादा सीरियस लेने नहीं दे कि वो उनकी बातों में आकर ही उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगा लेती थी, मतलब कि वो ऐसा करती थी कि अगर कोई उनकी जिंदगी से चले जाए या उनकी उम्मीद पर खड़े ना उतरे तो ये बाबा भी उनका काम नहीं करेंगे। और फिर यहाँ से सीख मिला कि लोगों से सिर्फ उतनी ही उम्मीद लगाओ जितनी अगर टूट भी जाए तो बहुत तकलीफ ना हो। और इसी धीरे 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 उन्होंने अपनी जिंदगी के कई पर्दे खोले, और इतने में तरकी का दोस्त आ गया और ये घर की तरफ बढ़ने लगे। मगर अब ये बंदा अपने दोस्त के साथ लौट रहा था, उस वक्त खाली हाथ नहीं था। अब ये जिंदगी कुछ ऐसे तजुर्बे लेकर लौट रहा था जिन्होंने लाइफ को पूरी तरह नया बना दिया। अब ये बहुत ज्यादा उदास नहीं रहता था, बल्कि जिंदगी के अप एंड डाउन को भी इंजॉय करता था। अब ये समझ गया था कि भाई अब जैसा चाहती है एग्जैक्टली तो वैसा नहीं हो सकता, या अगर होगा तो ये कोई मूवी तो चल नहीं रहा है कि आपने दिमाग में खाना सोचा और आपका पेट भर जाए। जाहिर है कि भूख लगा है तो बाजार से सब्जियां लाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा और खुद अपने हाथों से उठाकर खाना पड़ेगा। सिर्फ हाथों पर हाथ रख के और आंखें बंद करके लाइफ को मत जियो। आप जो आज करोगे वही कल आपके लाइफ को ऊपर ले जाने में मदद करेगा। तो भाई सीधी सी बात है कि आपकी आदतें ऐसे होना चाहिए जो आपको यह सब करवाए और आपको अंदर से ऐसा फील करने से रोके कि लाइफ बहुत दुपरी है या फिर आपकी आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग सिर्फ उन चीजों की किया करो जो आपके हाथ में है, उनकी नहीं जो आपके हाथों से बाहर है। देखो यार सीधी सी बात है, अगर कई बार बाढ़ आ रही है और तुम ये सोचो कि काश मैं इसे रोक पाता तो ये तो एक ऐसी चीज की ओवर थिंकिंग हो गई जो आपके हाथों से बिल्कुल बाहर है। और वहीं आप इस बाढ़ से होने वाले नुकसान के रिकवर करने के बारे में सोचो तो फिर भी एक बार कर लॉजिकल चीजों के बार माइंड लगाओगे। तो प्लीज ऐसी चीजें ना सोचा करो जो आपके हाथों से बाहर है, और ना ही अपने आप को इन सब चीजों से परेशान होने दिया करो कि ऐसा नहीं हुआ तो आखिर क्यों नहीं हुआ। अगर जो होना था वो हो गया है और जो होगा वो भी होकर रहेगा, आप फिर उसके लिए तैयार रख सकते हो। सब कुछ आपके हिसाब से हमेशा हो ऐसा होना जरा मुश्किल है। इसके बाद है अपने आप को तवज्जो देना सीखो। अगर आप इस चीज को इस वक्त नहीं करना चाहते तो उसे छोड़ दो। मन मार के किसी साथ रहना नहीं है, मन मार के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी सोच आपकी सोल की मंजूरी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप मन मार के किसी काम को करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ना तो आप आगे जा सकोगे और ना ही पीछे मुड़ सकोगे। तब आपको बहुत तकलीफ होगा कि पहले इस सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो जो भी करो वही करो जो आपके दिल लग सके। इसके बाद बहाने मत बनाया करो। चाहे कैसा भी काम हो, अगर आपको लगता है कि वो काम करके आपको फायदा होगा तो उस काम को जरूर करो, क्योंकि बहाना बनाने की आदत हमारी लाइफ को बहुत गलत दिशा में ले जाता है। हम एक बार बहाना बनाएंगे और बाद में यह खुद आपकी आदतों में रोज की बातों में शामिल हो जाएगा। आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज मन नहीं है, कल से कर लेते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सो लेता हूँ, शाम को देखता हूँ, ये सब चीजें हर इंसान कर ही लेता है। अगर आप यूनिक हो तो यूनिक बनना बहुत जरूरी है। तारों पर रहने की इच्छा रखते हो तो भाई घर से निकलकर उड़ना तो पड़ेगा, और उड़ना आलसियों के लिए तो बना ही नहीं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।